हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे स्पिरुलिना के बारे में। दोस्तों, आजकल स्पिरुलिना बहुत ज़्यादा फेमस है और एक वर्ड बहुत फेमस है, सुपर फूड। तो हमने सोचा कि एक सुपर फूड के बारे में बात करते हैं, और स्पिरुलिना भी एक तरह का सुपर फूड है। अब सुपर फूड उसे कहते हैं जिसकी थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व मिलते हैं। तो स्पिरुलिना भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको बहुत सारे विटामिन और मिनरल मिल जाते हैं, और इसे पौष्टिक माना जाता है। अब स्पिरुलिना है क्या? दोस्तों, स्पिरुलिना एक तरह का एल्गी है, छाल है या फिर शैवाल है, जो कि हरे या नीले रंग की होती है। तो सुपर फूड क्या है? यह किसी बीमारी को ठीक तो नहीं करता, बस ये है कि यह बीमारी के लक्षणों को कम कर देता है और आपको हेल्दी रखता है। तो अब हम बात करते हैं स्पिरुलिना के फ़ायदों के बारे में। तो सबसे अच्छा, इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा है बीपी वालों के लिए, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों का बीपी इम्बैलेंस रहता है, तो ये बीपी को कम करता है, बैलेंस करता है। तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगला है कोलेस्ट्रॉल। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल ख़राब है बॉडी में, जिसकी वजह से हार्ट को प्रॉब्लम होती है, तो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी इसे लिया जा सकता है, लेकिन ये बात लिखिए कि अपने डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर कर लें। दोस्तों, जैसे बढ़ती उम्र के साथ साथ दिमाग की याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है, तो ऐसा ही ये याददाश्त को तेज़ करता है। अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, पार्किंसन रोग हो रहा है, तो ये याददाश्त को बढ़िया करता है और मेंटेन रखने का काम करता है। स्पिरुलिना इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, एलर्जी वगैरह हो जाती है, या फिर बदलते मौसम के साथ आप बीमार हो जाते हैं, तो ये इम्यूनिटी को सही करने का काम करता है। अगर आप महिला हैं, अनीमिया के शिकार हैं, अनीमिया में खून की कमी हो जाती है, बॉडी में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है, तो ये खून बनाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि खून बनाने का काम करता है। तो खून के लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं रहता, तो डाइजेशन के लिए भी बढ़िया है, आपका पाचन सही रहता है। इसमें प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक तो नहीं पाए जाते, वैसे ही ये आपके डाइजेशन को बढ़िया करता है, एंजाइम अच्छे पाए जाते हैं। स्पिरुलिना कई घातक बीमारियों में भी फायदेमंद माना जाता है, जैसे कि कैंसर, या कैंसर सेल को मारता है। इसलिए जिस एरिया में आप रहते हैं या कैंसर वगैरह ज़्यादा होने का खतरा है, पानी ठीक नहीं है, वहाँ आप इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। स्पिरुलिना वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, कम कैलोरी खा रहे हैं और जिम भी जा रहे हैं, तो उसके साथ अगर स्पिरुलिना का सेवन किया जाए तो और ज़्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों, स्पिरुलिना आपकी आंखों के लिए भी फायदेमंद है। आजकल आंखों का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे। तो अगर आंखों के स्ट्रेस वगैरह रहता है, आईसाइट वीक हो रही है, तो आंखों के स्ट्रेस को कम करने के लिए भी इसका सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, स्पिरुलिना जो है आपकी स्किन के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। अगर आपकी स्किन पे ग्लो नहीं है, स्किन पे रूखी सूखी रहती है, तो स्किन को नॉरिश बनाने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए भी इसका सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा ये आपके बालों के लिए भी फायदेमंद है, बालों को नॉरिश करता है, और रूसी वगैरह हो रही है उसे ठीक करता है, और झड़ने से भी रोकता है। दोस्तों, इतने ज़्यादा फायदे हैं स्पिरुलिना के। अब हम बात करते हैं कि स्पिरुलिना का सेवन कब और कैसे करना चाहिए। स्पिरुलिना आपको मार्केट में पाउडर, टैबलेट, कैप्सूल, इन सभी रूप में मिल जाएगा। आप जिस मर्जी रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पाउडर लेते हैं, तो उसे जूस में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टैबलेट या कैप्सूल लेते हैं, तो एक से दो टैबलेट ले सकते हैं। डेली 5 ग्राम तक आप लीजिए, इससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो जिन लोगों को ये सूट नहीं करता, उनका पेट ख़राब हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, सूजन वगैरह हो सकती है, कुछ लोगों को ये एलर्जी भी हो सकती है। अगर आपको एलगे सूट नहीं करती, तो एलर्जी हो सकती है। अगर आपका बीपी पहले से लो रहता है, तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, बीपी को और लो कर सकता है। तो ये सारे फ़ायदे और नुकसान हैं स्पिरुलिना के। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।